वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। अपन लोग अभी अगला वाला कंसेप्ट देखते हैं। देखो कैसा है, इसके अंदर शायद आप लोगों का एग्जांपल नंबर 10 वगैरह रहेगा। ए लिमिटेड लीज मशीनरी टू बी लिमिटेड, उसके अंदर आप लोगों को क्या बोलते हैं कैलकुलेट करने के लिए, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन। अगर लीज के एस्पेक्ट के 10 क्वेश्चन आए होंगे एग्जाम में, तो उसमें से 7 बार क्वेश्चन जो रहते ना वो UFI के रहते हैं, अनअर्नड फाइनेंस इनकम। देखो कैसा रहता है अनअर्नड फाइनेंस इनकम का, पहले आप लोग कंसेप्ट समझ लीजिए। देखो कोई भी चीज खरीद सकते हैं आप लोग, एक तो कैश में, ठीक है, कैश के अंदर, या फिर इंस्टॉलमेंट में, जिसको अपन लोग बोलते हैं कि हायर परचेस, मतलब फाइनेंस लीज के अंदर। मेरे को एक बात बताइए कि कैश का प्राइस ज्यादा रहेगा कि फाइनेंस इनकम, फाइनेंस लीज के अंदर प्राइस ज्यादा रहेगा? ऑफकोर्स सर, फाइनेंस लीज का प्राइस ज्यादा रहेगा। कैश में सपोज मैं कार खरीद रहा, तो उसका कीमत है 10 लाख रुपए, ठीक है। वही मैंने बोला सर मुझे ना इसको इंस्टॉलमेंट में खरीदने का है, कि मैं थोड़े थोड़े हफ्ते दूंगा, मैं गरीब आदमी हूँ, तो बोलेंगे इसके ना आपका प्राइस रहेंगे 11 लाख रुपए, जिसको आपको, जिसको आप लोगों को 10 हफ्तों के अंदर भरने का है, 1,10,000 की इंस्टॉलमेंट रहेंगे, ठीक। तो इसके अंदर कैसा है, ये जो 1 लाख रुपए है इसको क्या बोलते हैं आप लोग, फाइनेंस चार्ज। अरे बाबा मेरे लिए फाइनेंस चार्ज, किसके लिए, LEEE के लिए फाइनेंस चार्ज, और LEEE के लिए फाइनेंस इनकम। जब मैं लेसर की बात कर रहा तो वो फाइनेंस इनकम है, और जब मैं लेसी की बात कर रहा तो वो फाइनेंस चार्जेस है, ठीक है। तो शुरुआत में जब मैंने मशीनरी को जब मैंने लीज पे दे दिया, ठीक है, तो इसके अंदर कैसा रहेगा पता है क्या, ये जो 1 लाख रुपए है ना, इसको मैं कैसे रिकॉग्नाइज करूं मालूम है, अनअर्नड फाइनेंस इनकम। अभी तक अर्न नहीं किया लेकिन मेरी इनकम होने वाली है। तो आपको बहुत बार इसके अंदर पूछेंगे व्हाट इज दी अनअर्नड फाइनेंस इनकम। सो अनअर्नड फाइनेंस इनकम मतलब ये फाइनेंस इनकम है फॉर दी लेसर, ये फाइनेंस इनकम है फॉर दी लेसर। अब अनअर्नड फाइनेंस इनकम इज इक्वल टू कैश का प्राइस जो रहेगा माइनस उसका प्रेजेंट वैल्यू का प्राइस, मतलब कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज माइनस पीवी ऑफ MLP फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट व्यू ऑफ लेसर की लेसी, ऑफकोर्स लेसर रहेगा। तो बात खास है कि कैश की जो प्राइस है उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज, इसमें प्रेजेंट वैल्यू वगैरह जैसा कुछ भी नहीं है। तो GIL माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट व्यू ऑफ लेसर, फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 2, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज का मतलब क्या रहता, LR प्लस GRV प्लस UGRV। नेक्स्ट PV ऑफ MLP फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट व्यू ऑफ लेसर इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ GRV प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ UGRV। फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है। UFI इज इक्वल टू GIL माइनस PV ऑफ MLP फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट व्यू ऑफ लेसर, लेसर रहा तो UGRV तो कहीं नहीं बचे। एक और मैं बता देता आपको, PV यहाँ पे लिखे रहे तो वो भी लिख रहे, PV ऑफ MLP फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट व्यू ऑफ लेसी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ GRV। एक और लिख लो यहाँ पे, इन फाइनेंस लीज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट व्यू ऑफ लेसर इज इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। इज इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ एसेट इन केस ऑफ फाइनेंस लीज। ये सब फॉर्मूले लिख लो आप लोग। नंबर 10 ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को मशीनरी दिए हुई है, ठीक है, आप लोगों को निकालने का UFI। एक बात याद रखना कि UFI ये जो कंसेप्ट है ये सिर्फ और सिर्फ लेसर को है, क्योंकि फाइनेंस इनकम लेसर को मिलती है। देयरफॉर UFI इज इक्वल टू GIL माइनस PV ऑफ MLP फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट व्यू ऑफ लेसर, ठीक है। तो GIL निकालेंगे, GIL इज इक्वल टू लीज रेंटल प्लस GRV प्लस UGRV। लीज रेंटल कितने हैं,
6.25 इंटू कितने डिसेंटल है आप लोगों के 4 प्लस जीआरबी 1,25,000 प्लस यूजीआरबी इज इक्वल टू, देखो टोटल रेसिडेंट वैल्यू है 3.75 माइनस एक्सपेक्टेड माइनस गारंटीड कितनी है 1.25 बच्ची भी जुड़ेंगी वो यूजीआरबी 6.25 इंटू 4 6,24 प्लस 25 इंटू 4 25,00,000 प्लस 1,25,000 प्लस 2,50,000 27,28,28,75,000 जीआरएल आप लोगों का आ गया 28,75,000। अब पीवी ऑफ एनएलपी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट व्यू ऑफ लेसर इज इक्वल टू 6,25,000 इंटू क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 10% 1-4 ईयर्स प्लस 1,25,25,000 3,75,000 इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 10% 4 ईयर, ठीक है। अब डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% के हिसाब से आप लोगों को निकालना पड़ेगा। कैसे करेंगे आप लोग? आप लोग ऐसे करेंगे कि देखो 10,00,000 का जो है अपन लोगों का, 10,00,000 का जो है अपन लोगों का, उसके अंदर आप लोगों को कैसे करना पड़ेगा कैलकुलेटर हाथ में रखने का, 1/1.10 इक्वल टू एम प्लस एमआरसी 3.1698 लिख सकते हैं आप लोग 3.17 प्लस 3,75,000 इंटू 1,23,4.683 समझ में आ रहा ना? मैं क्या निकाल रहे हैं पे पीवीओ बने 6,25,000 मल्टीप्लाइड बाय 3.17 इक्वल टू एम प्लस 3,75,000 इंटू 0.6830 इक्वल टू एम प्लस एमआरसी 22,22,37,375 समझ में आ रहा क्या? तो इनका भी क्या है देख लो, 6,25,000 को 4 बार किया 1.25 और ये फोर्थ ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर इन्होंने सही लिया क्या? देख लो एक बार, सॉरी डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको लेना है 15% के हिसाब से, डिप्रिसिएशन है 10% के हिसाब से, डिस्काउंटिंग फैक्टर सॉरी आप लोगों को लेने का है 15% के हिसाब से, तो ये थोड़ा चेंज हो जाएगा 15% है डिस्काउंटिंग फैक्टर आप लोगों का, 15% है डिप्रिसिएशन आप लोगों का 10% है। सर डिप्रिसिएशन क्यों दिया है? अभी तो कुछ इसका काम नहीं है। 1 डिवाइडेड बाय 1.15 चार बार इक्वल टू एम प्लस इक्वल टू एम प्लस एमआरसी 2.85 फिर चौथे साल का 1 डिवाइडेड बाय 1.15 2,34.57 ठीक है। 6,25,000 इंटू 2.85 इक्वल टू एम प्लस और 3,75,000 इंटू 0.57 इक्वल टू एम प्लस एमआरसी 1,95,000 अपना आ रहा 19,95,000 ठीक है। उन्होंने राउंड अप किया होगा तो उनका 20,00,000 आ सकता, तो मेरा जीआईएल आ गया 28,75,000, मेरा पीवी ऑफ एमएलपी आ गया 19,95,000, तो मेरा अब यूएफआई क्या रहेगा दोनों का डिफरेंस 8,80,000 ठीक है। उनका 8,75 आ रहा 8,80,000 तो प्रॉब्लम गलत नहीं है, आपको पूरे मार्क मिलेंगे। 5 मार्क के लिए बहुत पुरता है क्वेश्चन। पहले जीआईएल निकाल लिया, जीआईएल तो सिंपल है, कुछ प्रेजेंट वैल्यू वगैरह नहीं है, सिर्फ प्लस करने का आप लोगों को एलआर प्लस जीआरबी प्लस यूजीआरबी। बाद में पीवी ऑफ एमएलपी निकाल लिया, पीवी ऑफ एमएलपी निकालना तो बहुत आसान है, बहुत बार निकाल लिया अपन लोगों ने, लीज रेंटल इनटू क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर प्लस जीआरबी इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर आखिरी साल का प्लस यूजीआरबी इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर।
समझ में आ रहा है किस तरीके से आप लोग यू कर सकते हैं लिमिटेड वाला क्वेश्चन, ठीक है क्या? हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 13 भी वैसे ही है, वो अपन लोग कर लेते 13 नंबर का क्वेश्चन, फिर अपनी इसमें क्वेश्चन हो जाए।